नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट यानी मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट में सवाल है, एक मीटर में कितने फुट होते हैं। चलिए बताइए एक मीटर में कितने फुट हैं। वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन आपको हम हल करके दिखाते हैं कि एक मीटर में कितने फुट होते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 30 सेंटीमीटर, हम लोग जानते हैं 30 सेंटीमीटर बराबर होता है एक फुट होता है ना। 30 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, 30 सेंटीमीटर को हम लोग एक फुट बोलते हैं, ये आपको पता है। ये बताइए एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर 30 सेंटीमीटर बराबर एक फुट होता है तो एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, एक सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, एक बटे कितना हो जाएगा, 30 ये फुट हो गया है ना। अब बताइए यहाँ पूछा गया है एक मीटर में कितने फुट होते हैं ना, एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर, जब एक सेंटीमीटर में इतना होता है तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1/30। अब ये रहेगा 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये फुट बन जाएगा। तो ये अब बताइए 100 सेंटीमीटर बोलते क्या है, एक मीटर बोलते हैं ना, तो एक मीटर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, एक मीटर बराबर देखिए ये ऊपर जाएगा तो हम लोग काट सकते हैं ना, एक जीरो से हमने काट दिया तो कितना ऊपर चला गया, 10 10/3। अब बताइए हमें यहाँ पर भाग करेंगे 3 से, इसमें भाग करेंगे 10 में तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, फिर एक बचेगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 ना। इसका मतलब 3.33 समथिंग आएगा। इसका मतलब एक मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.3 फुट होते हैं है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या पाए, यहाँ से ये मिला कि वैसे आप याद करते होंगे कि एक मीटर में 3.3 फुट होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया कि एक मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.3 फुट होते हैं। हम लोग सवाल हल करके देखें। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। देखिए एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले क्वेश्चन किए थे एक मीटर में कितने फुट होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन एक है कि एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं। तो हम लोग जानते थे, क्या जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर बराबर एक फुट होता है। तो वैसे जान लीजिए 450 ग्राम को एक पाउंड बोलते हैं, 450 ग्राम को एक पाउंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर को एक फुट बोलते हैं, 30 सेंटीमीटर को एक फुट बोलते हैं, तो वैसे 450 ग्राम को एक पाउंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। बताइए 450 ग्राम को एक पाउंड बोलते हैं, तो एक ग्राम को कितने बोलेंगे, देखिए एक ग्राम कितना हो जाएगा, एक ग्राम, देखिए तो ये गुणा में है ना, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 1/450, ये पाउंड हो गया है ना, पाउंड। तो ये बताइए जब एक ग्राम बराबर 1/450 पाउंड, तो एक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/450 ये रहेगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, 1000 है ना, 1000 गुणा कर देंगे तो 1000 ये क्या हो जाएगा, ये पाउंड में चेंज हो जाएगा, यानी 1/450 गुणे कितना, 1000 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 हमने काट दिया तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो 1000 ग्राम बराबर होता क्या है, 1 किलोग्राम यानी है ना, 1 ग्राम यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम ना। तो 1 किलोग्राम ये 100 ऊपर चला गया, तो लिख सकते हैं 100 कितना हो जाएगा, 45। अब बताइए 45 दूनी कितना होता है, 90, भाग करेंगे ना अब इसके बाद, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा ना, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब 1 किलोग्राम यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर हम लोग कितना पाए, 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है, 2.2 यानी 2.2 पाउंड, ठीक है, 2.2 पाउंड होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 2.2 पाउंड होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से, आप सब्सक्राइब करने से कोई पैसा कटता नहीं है, आप सबको पता भी है, ठीक है।
अभी तक कोई जो, अब जितने भी लोग सोचते हैं कि पैसा कट जाता है या एक कोई हम सब्सक्राइब कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है।